हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं प्याज कीमा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आइए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। गैस को मैंने ऑन कर लिया है। गैस के ऊपर मैंने भगोने को रख लिया है और उसमें ले लिया है मैंने 150 ग्राम ऑयल। ऑयल को अब हम गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, और ले ली हैं 6 से 7 मैंने ली हैं काली मिर्च, और 3 से 4 मैंने ले ली हैं लौंगी। ये मैं ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी और इसको अब हम फ्राई कर लेंगे। और अब मैंने ले लिया है 1/2 kg मटन का कीमा। ये मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इसको ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे और कीमे को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और इसका जो पानी आपको दिख रहा है ये हम ड्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने कट कर लिए थे, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। टमाटर के बाद मैं ऐड करूंगी मैंने 8 से 10 इसमें हरी मिर्च को कट कर लिया है, ये इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट इसको हम भून लेंगे ऐसे ही, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। देखिए अच्छी तरीके से ये भून चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम कीमा गलाने के लिए 1 कटोरी पानी। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि जो हमारा कीमा है वो गल जाए। अब खोलकर कीमा गल गया या नहीं हम चेक कर लेते हैं। हमारे 10 मिनट हो गए हैं। देखिए कीमा अच्छी तरीके से गल गया है। अब इसमें जो आपको ड्राई पानी नजर आ रहा है, अब इसमें जो पानी दिख रहा है इसको हम ड्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम। अब मैंने 6 मीडियम साइज की प्याज को कट कर लिया है और इसको मैंने शेप दी है लच्छेदार, ये मैं कीमे के अंदर ऐड कर दूंगी। अब प्याज को कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इसको 2 से 3 मिनट के लिए कीमे के साथ भून लेंगे। ये 3 मिनट प्याज को कीमे के साथ अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पर हम ढककर रख देंगे इसको भगोने को, और जब तक हमारी प्याज 80% तक कुक नहीं हो जाती हम इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने देंगे। प्याज 80% तक कुक हो गई है। अब जो हमारा प्याज का कीमा था वो बनकर एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है, देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। अगर आपको मेरी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक जरूर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।